जी श्री अकाल तख्त साहब हमेशा इतों ही सरबत दे भले की गल की गई है श्री अकाल तख्त साहब तो अज असी मनुखी अधिकार संगठन वालों श्री अकाल तख्त साहब से बेनती करन आए हैं कि जो मनुखी अधिकारां दे तहत काफ़ी लंबे समय तो बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई संघर्ष किया जा रहा है जो मुहिम पंजाब भर दे विच शुरू की गई है कैंडल मार्च राही बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई गल करन लई उन्हां दे हक्कां दे बारे गल करन लई जो कि मनुखी अधिकारां दी बहुत वड्डी उलंघना हो रही है कि काफ़ी लंबे समय तो जो बंदी सिंह जेलों में अपनियां सजावां पूरियां करन दी बाद भी बैठे हुए ने उन्हां दी जद रिहाई नहीं हो रही उस चीज़ को लैके ह्यूमन राइट्स एसोसीएशन मानव अधिकारां दी उलंघना मनुखी अधिकारां दी उलंघना देखते हैं। अज असीं श्री अकाल तख्त साहिब बेनती की है कि जो साडा 21 तरीक नूं श्री अमृतसर साहिब दे विच कैंडल मार्च होण जा रहा है उसकी अगवाई श्री अकाल तख्त साहिब वालों की जाए तो साढ़े नाल अच्छा बहुत सारे धरने लगाए आ रोडों के उ निकले कैंडल मार्च किए पट्टियां गालियां बनियां फिर भी हल क्यों नहीं हो रहा क्यों आखिरकार रिहाई नहीं की जा रही तुहानू की कारण लगता है। देखो कारण तो सीधा सीधा जो है कि अगर तो सियासत की जा रही है तो बड़ी ही माड़ी गल है क्योंकि अगर देश का संविधान एक है देश एक है कानून एक है तो बंदी सिंघां लई भी उही चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए जो बाकी इतों के नागरिकों लई हुंदी है क्योंकि हर नागरिक का हक है इस देश दे विच तो बंदी सिंघां का भी बराबर का ही हक है। हुण असीं अगर तुलना करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स ने जो कि देश लई बड़ी गंदी तस्वीर साबित होंदे सी बिलकस बानो दे हत्यारे कह लिए रेपिस्ट कह लिए या राजीव गांधी दे हत्यारे की गल कर लिए तो अगर वो रिलीज़ हो सकते तो बंदी सिंह क्यों नहीं तो कि ना कि जो यह घट गिनती लैके टारगेट किया जा रहा हकूमतों वालों उस चीज़ के लिए भी साड़ी आवाज़ बुलंद असी कर रहे हैं और जिते कि बहुत वड्डी गल है कि मानवता का उलंघन और मनुखी अधिकारां दी जिहड़ी उलंघना है उसके बारे में गल है। श्री अकाल तख्त साहिब तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो तां असीं की उम्मीद रखते हैं कि लगता है कि इत्थों कोई आवाज़ निकलेगी तां हल होएगा? बिल्कुल सानूं यकीन दवाया गया इन्हां वल्लों कि श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों इन्हां दे जां तां कोई ना कोई नुमाइंदे जां जो भी साडे नाल साथ देणगे साडे कैंडल मार्च क्योंकि यह एक मानवता की जो लड़ाई जो संघर्ष चल रहा है ये हर धर्म हर वर्ग अगे आ रहा है तो असं अकाल तख्त साहब तो बहुत उम्मीद रखते हैं क्योंकि इतों अकाल तख्त साहब तो जोड़े दिते हुए आदेशों नाल पूरे सरबत का भला होया पूरे विश्व भर के अज सू भी जरूरत है इन्हों के साथ इन्हों के सहयोग की तो सूँ वीर जी होना भी यकीन दवाया कि जरूर अकाल तख्त साहब तो पहुँचा जाएगा। कैंडल मार्च की तरीक कि होगी टाइम किएगा कितों लैके कितों तक चलता रहे? 21 अक्टूबर भरावान के ढाबे तो लैके श्री हरिमंदर साहब तक कैंडल मार्च आएगा उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहिब ते बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई अरदास कीती जाएगी शाम नूं 6 बजे। मंग पत्र अपने मनुखी अधिकार संगठन दे भैन जी जसविंदर कौर जी मंग पत्र लिख के आए ने कि बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते 21 तरीक नूं कैंडल मार्च कढ़िया जाएगा जो दरबार साहब तक अकाल तख्त साहिब पहुंचेगा ते इहनां दी मंग है कि अकाल तख्त साहिब वल्लों इस मार्च की अगवाई की जाए तो सिंह साहब जी को यह मंग दिता जाएगा जरूर कोई ना कोई सिंह साहब जी वालों नुमाइंदा ये अगवाई वास्ते भेजा जाऊगा।